वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ा हुआ पूरा मामला, कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट ने केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दायर किया याचिका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा में दंगाइयों की भीड़ पर हमला करने से जुड़े मामले में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज एफआईआर में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसआईटी को निर्देश देने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये याचिका कोर्ट में दायर की है। कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग इस याचिका में उनकी तरफ से की गई है। मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट ने केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। और अब मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में दंगाइयों की भीड़ पर हमला करने से जुड़े मामले में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज एफआईआर में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसआईटी को निर्देश देने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1984 सिख विरोधी दंगा, जिसके इस पूरे मामले में अब देखिए कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश इस पूरे मामले में दिया है। 6 दिसंबर की तारीख है जब मामले पर अब सुनवाई होनी है। तो अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।